नमस्कार साथियों, आज मोदी जी ने अपना COVID-19 के खिलाफ लड़ाई का आर्थिक पैकेज की घोषणा करी। 20 लाख करोड़ 2020, 20 लाख करोड़ की बात की गई, पर उसकी डिटेल क्या है? उस डिटेल के बिना उसमें 20 लाख करोड़ में बजट का कितना हिस्सा है, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन का कितना हिस्सा है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कितने हैं, गारंटी के रूप में कितना पैसा दिया जा रहा है, सिक्योरिटाइजेशन कितने का किया जा रहा है, वो सब चीजें उसमें नहीं बताई गई है। मुझे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का वो कथन आज भी याद आता है, जब उनसे मोदी जी के कार्यकाल के आकलन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं आकलन क्या करूं, इस छात्र ने तो कॉपी में कुछ लिखा ही नहीं है। वो ऐसा के वैसा आज का वित्तीय पैकेज था। भी हेडलाइन तो बना ली, पर देश के लोगों को हेल्पलाइन इस पैकेज में नहीं दी गई। और दूसरा, मुझे बड़ा अचरज हुआ कि इतनी असंवेदनशीलता क्यों है सरकार की। मुझे उम्मीद थी मोदी जी, जो हमारे प्रवासी मजदूर है, जिस तरह से वो जा रहे हैं, अब तक 55 लोग अपने घर जाते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं, रेल की पटरी पर, सड़कों पर, उनके बारे में एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो किस तरह इन प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचाएंगे। मुझे ये उम्मीद थी, पर फिर एक बार मोदी जी ने बता दिया कि वो सूट बूट की सरकार है, उनके यहाँ मजदूर, प्रवासी मजदूरों के बारे में उनके दिल में कोई जगह नहीं है।